बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम वेलकम। लाहौरी के किचन में आप लोगों का वेलकम है। आई होप आप सब लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं भी आप लोगों की दुआओं से जो है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी जो है शेयरिंग लाई हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप नहीं करें। और जैसा कि आप लोगों को ये प्लेट में नज़र आ रहे हैं आलू अंडे, ये मैंने बनाए थे कल आलू अंडे जो के बच चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका जो है एक ज़बरदस्त सा डिलीशियस सा क्रिस्पी सा जो है पराठा बनाया जाए। तो ये देखिए मैंने आलू अंडे जो है प्लेट में डाल लिए हैं और अब इसको मैं फोक की मदद से जो है अच्छे से मैश कर लूँगी और फिर आपको अपना एक ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा यम्मी सा क्रंची क्रिस्पी और जो है डिलीशियस सा पराठा दिखाऊँगी। तो आई होप ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आप लोग घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अच्छा सा फीडबैक दें। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको जो है तमाम जो इसकी शेयरिंग है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। व्यूअर्स, ये जो मैंने आप लोगों को आलू अंडे दिखाए थे तो इसमें जो स्पाइसेस है वो मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइट इसमें ऐड की हुई थी, तो मैंने अब इसमें हाफ चम्मच से कम, यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि एक चुटकी नमक और एक चुटकी मैंने पीसी सुरख में इसमें ऐड कर दिया और इसे अच्छे से जो है मिक्सिंग कर लूँगी और उसके बाद आप लोगों को पराठे दिखाती हूँ। ये देखें मैंने जो है आटा के पेड़े बना लिए हैं छोटे छोटे और अब मैं इसको भीलूँगी और जो अमेजा मैंने आप लोगों को दिखाया था वो इसमें ऐड कर दूँगी। और एक थोड़ी सी जो है मिस्टेक हो गई है, जो मैंने आप लोगों को स्पाइसेस दिखाई थी तो उसमें मैंने नमक जो है ज़्यादा बोल दिया, तो आप लोग अपने अमेजे के मुताबिक नमक ऐड कीजिएगा। बाद में वैसे मैंने उसी टाइम आप लोगों को फ़ौरन बता दिया कि चुटकी मैंने नमक और चुटकी ही मैंने इसमें जो है सुरख मिर्च ऐड की। अगर आपका लोगों का अमेजा ज़्यादा होगा तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं उसके हिसाब से नमक में ऐड कर सकते हैं। जो फैमिली के देखें मैंने जो दोनों पेड़े लिए थे उनको मैंने बेल लिया है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, और अब मैं इसमें अमेजा ऐड करके तो इसको जो है आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे बंद करती हूँ और कैसे इसके जो परत है वो हम बंद करके एक मज़ेदार सा पराठा दिखाऊँगी आप लोगों को। ये देखें हमारा पराठा कितना ज़बरदस्त सा और अमेजिंग सा रेडी हो चुका है। और आप लोग जो हैं रिज़्क़ को ज़ाया नहीं किया करें, अल्लाह पाक सब गुनाह देते हैं और क्या कहते हैं अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने हमें जो है इतनी अच्छी नेमतों से नवाजा है। तो ये देखें मैंने एक बचे हुए सालन से, लेफ़्ट ओवर सालन से जो है मैंने एक मज़ेदार सा पराठा तैयार किया है और मैं आप लोगों के साथ बचे हुए सालन से और मज़ीद एक अच्छी सी जो है रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाजमन वॉच किया करें और मेरे जो लोग मेरे वीडियो पर न्यू आने वाले हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के बाद लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। जी व्यूअर्स, ये देखें फाइनली हमारे पराठे का लुक चेक करें आप। और दूसरा पराठा जो है वो हस्बैंड को देर हो रही थी तो उनको जल्दी जल्दी मैंने दे दिया, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को अपने पराठे पे जो है जो थोड़ी बहुत बातचीत रह गई है वो मैं इस पर दिखा दूँ। अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में बेपना इजाफा फरमाएँ। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को स्किप नहीं किया करें, ये आप लोगों से हर वीडियो में रिक्वेस्ट हो रही है, और वीडियो को फुल वॉच किया करें। आप लोग जो है सिर्फ एक सेकेंड की वीडियो या दो सेकेंड की वीडियो देख के जो है बस कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ना किया करें और एड्स के साथ हमारी वीडियो को वॉच करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स तो लाजमन शेयर किया करें और अच्छे से अच्छा फीडबैक दिया करें। हम आप लोगों के लिए इतनी अच्छी होती ज़बरदस्ती वीडियोस बनाते हैं, रेसिपीज़ दिखाते हैं कि आप लोगों को इजी और आसान और जो है इजी मेथड से आप लोगों को समझाते हैं, गाइड करते हैं कि आप लोग जो है कम टाइम में और कम चीज़ों में और घर की जो है होममेड चीज़ों से ज़्यादातर आप लोगों को दिखाते हैं, जिसपे ज़्यादा ना खर्चा आए ना झंझट हो। और महंगाई के दौर में तो आप लोगों को पता है कैसी रेसिपीज़ आप लोगों को ढूंढनी चाहिए, तो इसलिए हमारी हौसला अफजाई किया करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट किया करें, वीडियो को मुकम्मल एड के साथ वॉच किया करें ताकि हमारा भी फ़ायदा और हमें भी हमारा भी दिल करे कि हमारे जो यूट्यूबर फैमिली है या वाइटी फैमिली और जितने भी देखने और चाहने वाले हैं वो हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, तो हमें भी वीडियो बनाना अच्छा लगता है, वरना फिर हम डिसाइड होने लगते हैं और फिर सोच देते हैं कि चैनल छोड़ दें। तो प्लीज़ ऐसे नहीं करें, व्यूज़ भी हमारे जो है वीडियो पर बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ आप जो है ना पूरी वीडियो को वॉच करें ताकि हमारे व्यूज़ भी जो है वीडियो के बढ़ सकें और सब्सक्राइबर भी बढ़ सकें। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।